हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की, बट उससे पहले हम इंग्लिश का अपना सफ़र शुरू करते हैं। जैसा कि क्या इंग्लिश में आपने अंग्रेजी बोलना सीखा, क्या इंग्लिश में आपने छोटे छोटे ट्रिक्स सीखी कि हम अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने बेसिक लेवल से हमने क्या इंग्लिश की क्लासेस को अटेंड किया है। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बेसिक लेवल से सीखा है, एंड हो सकता हो वो अच्छी इंग्लिश बोल भी रहे हो। तो गाइज, अपना सफ़र जारी करते हुए आज हम फिर एक नया स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। जैसा कि गाइज आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। बट इसकी बात करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू? हमें हाय, हाउ आर यू, हेलो हर किसी से कहते रहना चाहिए। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में अपने माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए यू मस्ट आस्क, आपको पूछना ही चाहिए कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू? How's your life going on? How's your study going on? How's your business going on? बात करें हाउ आर यू की, तो हाउ आर यू का सेंस हर किसी केस में अलग अलग होता है। आप किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, How's your business going on? किसी आप एम्प्लॉय से बात कर रहे हो तो आप उसे पूछ सकते हो कि भाई आपकी जॉब कैसी चल रही है, How's your job going on? किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हाउ आर यू का मतलब कैसे हैं आपसे, आपके बारे में ही पूछना है। आपके बारे में पूछने के अलावा आप बहुत सारी लाइन्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो आपकी स्टडी कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। तो गाइज, उसके अलग अलग हमारे जवाब हो सकते हैं। जवाब मैंने आपको पीछे की क्लासेस में सिखाए हैं, और अगर आपको वापस सीखने हैं तो आपको पीछे वाली क्लासेस में जाना पड़ेगा। वो शुरू की क्लासेस है, बिगनिंग क्लासेस है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि हाय हाउ आर यू की क्लास एक सेपरेट क्लास है। उसमें आपने यूनिक तरीके सीखे हैं कि हम हाउ आर यू किसी से पूछें तो हम किस तरीके से पूछें, उसका हमें जवाब देना हो तो किस तरीके से जवाब को दें। तो गाइज, इस तरीके की हमारी बातें होती रहेंगी। बातें बहुत सारी होती हैं, समय कम होता है। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार टॉपिक देखने को मिल रहे हैं गाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे फोर टॉपिक्स को लिखे हुए हैं, बट अभी हम बात जो करेंगे वो जिस पे टिक लग रहा है उसकी बात करने वाले हैं। तो आपको नीचे वाले नहीं पढ़ने, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लासेस में आप सीखने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। विच एवर ड्रेस यू चूज आई विल पे फॉर इट। कभी कभी हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत में हमें ऐसा बोलना होता है कि भाई जो कुछ भी, मतलब जो कोई भी ड्रेस आप खरीदोगे, खरीद लो, जो मन है वो खरीद लो, मैं पे कर दूंगी। इस तरीके से आप बोल देते हैं, चाहे आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, आप अपने घर में बात कर रहे हो, आप अपने फैमिली में किसी स्पेशल वन से बात कर रहे हो। हम अक्सर अपनी एटीट्यूड दिखाने के लिए, अपनी डिग्निटी दिखाने के लिए बोल देते हैं भाई जो तुझे पसंद आ रही है ना, ले ले, मैं पे कर दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। तो जो तुझे पसंद आ रही है, अभी हमने बोल तो दिया हिंदी में, अभी हम अंग्रेजी में उसको कैसे बोले? तो गाइज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैं आपको ये वर्ड सिखाने वाली हूँ। जब भी आपको बोलना हो जो कुछ भी, मतलब यहाँ से हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो हम चॉइस की बात कर रहे हैं, सामने वाले की चॉइस की बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज बात कर रहे हैं थिंग की। ठीक है, मतलब नाउन। नाउन शायद आपको नहीं पता होगा, बट अभी हम थिंग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि भाई जो रिंग भी, कभी मान लेते हैं आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू चूज द रिंग, आपको रिंग चूज करना है, एंड यू आर विद योर फियांसे, एंड हमसे कहा जाता है कि बताओ भाई कौन सी रिंग लोगे। तो हमसे अक्सर हमारी फैमिली मेम्बर्स ऐसा बोल देते हैं कि भाई जो रिंग लोगे ना, खरीद लो, मैं उसके लिए पे करूंगा, या मैं उसके लिए पे करूंगी, या हम लोग उसके लिए पे करेंगे। तो वो आपसे बोलेंगे विच एवर, जो कोई भी, मतलब इसका सेंस निकलता है जो कुछ भी, जो कोई भी रिंग आपको पसंद हो खरीद लो, मैं पे कर दूंगी। विच एवर रिंग यू चूज आई विल पे फॉर इट। अब मान लेते हैं आपने सोचा कि आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी चलिए मैं आपको शॉपिंग करवा देता हूँ, और जो साड़ी भी पसंद आए ना आप ले लेना, सोचना मत मेरी पॉकेट मनी क्या है, आपको सोचना नहीं है मेरी सैलरी क्या है, बट खरीद लेना, मदर्स डे स्पेशल है, आप खरीद लो, मैं पे कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आप बोलेंगे विच एवर साड़ी यू लाइक
आई विल पे फॉर इट, जो भी साड़ी आपको पसंद है आप खरीद लो, मैं उसके लिए पे कर दूंगी। अभी ये तो हो गई एक बात। अभी हमसे कभी कभी बच्चों से भी पूछा जाता है कि भाई जो तुझे आइसक्रीम खानी है ना ले ले, मैं पे कर दूंगी, विच एवर आइसक्रीम यू लाइक आई विल पे फॉर इट, जो भी आइसक्रीम तुम्हें पसंद है ले लो, आई विल पे फॉर इट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हमें बोलने के लिए आते हैं। अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद अगले स्टेप पे चलेंगे, बट उससे पहले इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अभी आपने एक लिमिटेशन से सीखी है, इसका यूज़ हम लिमिटेशंस के बाहर भी करते हैं, जैसा कि आप एक्शंस को चेंज कर सकते हो। इन दोनों एक्शंस को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला जो सब्जेक्ट भी आपको पसंद है ना, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसमें भी आप परफेक्ट हो, आप उसका एंट्रेंस टेस्ट दे देना। विच एवर सब्जेक्ट यू लाइक गिव द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दैट, ठीक है। जो लैंग्वेज भी आपको अच्छी लगती है ना, बोलना स्टार्ट कर दो। विच एवर लैंग्वेज यू लाइक स्टार्ट स्पीकिंग, जो फ़ोन भी चाहिए ना आपको बस मुझे बता दो। विच एवर फोन यू लाइक जस्ट टेल मी, जो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है ना कर लो। विच एवर एप्लीकेशन यू वॉन्ट टू डाउनलोड जस्ट डाउनलोड इट हियर, ठीक है। जो भी आप जहाँ पे भी घूमने जाना है ना जा सकते हो, तो वहाँ पे गए। थोड़ी सी हमने प्लेस की बात की, अभी हम यहाँ पे चॉइसेस की बात कर रहे हैं, बट हम प्लेसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा वेयर एवर। वेयर एवर की भी बात करेंगे, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, बट अभी हम विच एवर की बात कर रहे हैं। जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए भाई कहना हो कि भाई जो कुछ भी पसंद हो ना खरीद लो, विच एवर साइकिल यू लाइक परचेज इट, जो भी मॉडल पसंद हो ना आपको उस मॉडल की साइकिल उठा लो। विच एवर मॉडल ऑफ साइकिल यू लाइक जस्ट परचेज इट, जो भी मिल रहा है ना खरीद लो डिस्काउंट में। विच एवर द डिस्काउंट इज ओपन फॉर द थिंग्स परचेज इट, ठीक है। जो भी चैनल आपको पसंद हो देख लो, विच एवर चैनल यू लाइक वॉच इट, जिस गेम में भी पार्टिसिपेट करना है ना कर लो। विच एवर गेम यू लाइक पार्टिसिपेट इन द गेम, भाई जो कुछ भी खाने में बनाना है बना लो। विच एवर फूड यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो बना लो। विच एवर फूड यू लाइक जस्ट प्रिपेयर इट, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमसे पूछा जाता है भाई क्या खाना है, मैंने कहा भाई मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, तो आप बोलेंगे मैम जो पिज़्ज़ा का मन हो ना, डबल चीज़ पिज़्ज़ा का मन हो तो आप उसको ऑर्डर कर लो, मैं पे कर दूंगा। तो आप बोलेंगे विच एवर पिज़्ज़ा यू लाइक, विच एवर फ्लेवर्ड पिज़्ज़ा यू लाइक जस्ट ऑर्डर इट, आई विल पे फॉर इट। मैंने कहा आपको जो कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना आप ऑर्डर कर लो, मैं पे कर दूंगी। विच एवर कोल्ड ड्रिंक यू लाइक आई विल पे फॉर इट। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, और जब हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट अंग्रेजी की बात करें तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं। उस छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए हम छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हम सीख रहे हैं, ताकि हम कोई भी सेंटेंसेस बोलें तो हो सकता हो उस टाइम आपको याद ना आए, बट जब भी आप गूगल करेंगे, वीडियोस देखेंगे, यू विल गेट टू नो तो व्हाट इज़ द सूटेबल वर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई उनको सब कुछ आता है, बट जब वो टेस्ट देने जाते हैं या किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं और उनको अंग्रेजी में बात करनी होती है और उनको बोलना होता है कि भाई जो भी डेट आपके लिए सूटेबल है आप उस डेट पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, अब वहाँ पे तो फंस गए ना। जो डेट भी आपको आपके लिए फ्री है, तो अभी आप यहाँ पे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं विच एवर डेट इज़ फ्री फॉर यू, यू कैन इन्वाइट मी फॉर द इंटरव्यू। अब आपको स्ट्रक्चर तो आता है, कोई भी एक्शन लगाइए, कोई भी आप सेंटेंस बोल दीजिए, जो भी पेस्ट्री खानी है खा लो, विच एवर पेस्ट्री यू लाइक जस्ट ईट इट, जहाँ पे भी जाना है ना जाओ, बट ध्यान रखिए जो फ़ोन आपको ख़रीदना है वो मुझे बता देना पहले। विच एवर फोन यू परचेज जस्ट टेल मी द फर्स्ट, ठीक है। कंप्यूटर में आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो कर लो, बट जब भी आप कंप्यूटर बंद करो तो मुझे बता देना। वेन एवर यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर जस्ट टेल मी, वेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, हाउ एवर, वॉट एवर, ये सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, सभी के अपने अपने अलग मीनिंग होते हैं, बट हमें सोचना है कि अभी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। मेरे पास मैंने आपको दो ऑप्शन दिए,
मैंने कहा भाई मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है और एक रेड मार्कर है, जो भी आपको पसंद हो आप ले लो, विच एवर मार्कर यू लाइक टेक इट। मैंने बोला भाई आपको मॉर्निंग क्लासेस चाहिए इवनिंग, जो भी टाइम सुटेबल हो आप अपनी स्टडी कर लो भाई, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप किसी भी टाइम पे ही पढ़ सकते हैं, तो विच एवर टाइम इज सुटेबल फॉर यू यू कैन वॉच वीडियोज, आप अपना सेशन देख सकते हैं, आप नाइट में भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, नून में भी देख सकते हैं, मेट्रो में ट्रैवलिंग करते टाइम जब भी आपको लगता हो कि यू आर फ्री यू कैन वॉच द वीडियोज, वीडियोज आर एब्सोल्युटली फ्री, यू आर नॉट गोइंग टू बी चार्ज एनीथिंग, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। जैसा कि फ्रॉम द बिगनिंग हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो वी आर कमिटिंग आवर प्रॉमिस, हम अपना प्रॉमिस रख रहे हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि भाई नई नई वीडियोज़ बनाओ, नए नए स्ट्रक्चर सिखाओ, तो आने वाली वीडियोज़ में भी हम नए स्ट्रक्चर लेके आएंगे। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा एंड आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। रोज रोज मुझे होमवर्क नहीं देना है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी है। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।